एसएमएस की रकम क्या करोगी? मैं सरकार से इलाज कराना चाहता हूँ। आपने पहले भी इलाज कराया? हाँ जी। कहाँ? डेढ़ साल से मैं इसका इलाज लगातार करा रहा हूँ, एसएन से लेकर के एम्स जयपुर तक। एसएमएस जयपुर में है जी, वहाँ भी एडमिट रखा है मैंने, सभी जगह मैंने दिखाया। ये क्या परेशानी है? इसका ब्लड की प्रॉब्लम है, हर 15 दिन बाद इसका ब्लड लगता है। हर 15 दिन बाद इसको ब्लड लगता है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैंने अब तक 70-75 बोतल लगवा दी ब्लड की जी। मुझे पता है मैंने कहाँ कहाँ से करी है और मैंने कितना कर्जा ले लिया। मेरे कर्जे की कोई सीमा नहीं है जी। और अब मैं यही चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि मेरा इलाज कराएं मेरे बच्चे का जी। और प्रधानमंत्री जी से ही मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरा बच्चे का इलाज कराएं। और अगर बच्चे का इलाज नहीं करा सकते हैं तो उसे फिर इच्छा मृत्यु दी। और पहले भी लोग मदद की वहाँ लगाते? हाँ जी, मैंने बार बार लगाता रहा हूँ और 6 महीने से मेरे पास ये आता है कि आपका ये संशोधन कर दिया गया है, मगर अभी तक मदद नहीं मिली। अभी तक मुझे कहीं से मदद नहीं मिली। कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास 4 बच्चे हैं, एक लड़की है। क्या करते हैं? मैं पताई का काम करता हूँ। मैं दिल्ली ले गया था एम्स में और जयपुर भी ले गया था एसएमएस में, वहाँ भी वही बताया कि इसका खर्चा लगभग तुम्हारी सीमा से बाहर है। जो मेरा मकान दुकान था घर बार सब बिक चुका है, अब मैं भुखमरी करार पे हूँ। अब क्या क्या लेटर लिखा आपने? अब मैंने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को एक ही लेटर लिखा हुआ है, या तो मेरे बच्चे का इलाज कराएं, अगर इलाज नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ इच्छा मृत्यु दी जाए।